का मैं ज्ञान प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मालदीव के बारे में, मालदीव में किस प्रकार से सरकार ने काम किया और कैसे कैसे काम किया, कितने कैसे कैसे नेता वहां पे बने, सब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। जो भी बच्चा इस वीडियो में नया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे कि सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले मालदीव के बारे में। मालदीव की अगर बात करूं तो मालदीव क्या एक आइलैंड है, यानी कि द्वीप देश है, ठीक है, एक आइलैंड है। द्वीप देश किसे बोलते हैं? आइलैंड किसे बोलते हैं? ऐसा देश जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। तो 1965 में यहाँ पे पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से और 1968 में यहाँ पे सल्तनत समाप्त हुई। जब 1968 में सल्तनत समाप्त हुई तो उसके बाद यहाँ के पहले नेता बने इब्राहिम नसर। कौन बने? इब्राहिम नसर बने, जिसको 1978 में मोमून अब्दुल गयूम के द्वारा हराया गया। 1978 में हराया गया और मोमून अब्दुल गयूम जो थे लगभग इन्होंने 30 साल का राज किया था, ठीक है, लगभग 30 साल के, उससे ज्यादा ही राज किया लोगों ने मोमून अब्दुल गयूम ने। ये जो है लगातार छह बार यहाँ के नेता चुने गए, ठीक है। तो आप देखिए तो लगातार छह बार नेता चुने गए, 30 साल के जो इनके बीच का जो अंतराल था, इन्होंने क्या क्या काम किया इस बीच में वो हम देखते हैं एक बार। सर पहली बार 1982 में मालदीव राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। इसके बाद 2003 में शुरुआती वर्षों में मानव अधिकारों और शासन प्रणाली में सुधार के लिए बहुत व्यापक सुधार किया, जिसके अंदर मानव अधिकारों को दिया गया और बड़े रूप में। और क्या करा गया, 2008 में एक नया संविधान अपनाया गया यहाँ पर, जिसमें अधिक से अधिक सरकारी जांच और संतुलन स्थापित करने से विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को मजबूत किया गया। और इसके अंदर एक चीज और करी गई कि महिलाओं को राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने की अनुमति, यानी कि उसको चुनाव में खड़े होने की अनुमति दी गई, ठीक है। अक्टूबर 2008 में हम देखिए तो क्या हुआ, राजनीतिक कैदी जो मोहम्मद नसीब थे वो राष्ट्रपति चुने गए, यानी कि इनको हरा दिया गया छक्के के बरसातों काल में इनको, ठीक है। और कौन बने वहां पर? मोहम्मद नसीद वहां के राष्ट्रपति बने, ठीक है। इसलिए कितने साल राज किया इन्होंने? लगभग 30 साल राज किया इन्होंने। सॉरी मोहम्मद अब्दुल गयूम ने सबसे पहले बने इब्राहिम नसर, मोहम्मद अब्दुल गयूम, फिर उसके बाद आए यहाँ पर मोहम्मद नसीद बने, फिर इसके बाद अगर हम देखिए तो वहां पर राष्ट्रपति को बने इब्राहिम मोहम्मद सोलिम। कौन बने? मालदीव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिम वहां के क्या बने? राष्ट्रपति बने। आई होप कि मेरे बच्चे आपको मालदीव वाला टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।